मेरे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज का डिज़ाइन देखिए, ये फ्लावर पैटर्न है, बिल्कुल छोटे छोटे से कली की तरह है। बच्चों के स्वेटर में ये बहुत सुंदर लगता है, लेडीज स्वेटर में भी आप बनाएंगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। इसे मैंने क्रीम कलर के साथ ग्रीन और मरून कलर से बनाया है। आप चाहें तो अपने पसंद का कॉम्बिनेशन रख सकती हैं। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, 6+6 करके, और 3 फंदे एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए, और 6 लाइन में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से फ्लावर से बने हुए हैं। तो चलिए आज हम इस फ्लावर पैटर्न को बनाना सीखते हैं। और पैटर्न बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल में मैंने 18 फंदे लिए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा पैटर्न को सेट करने के लिए। तो 18+3 21 फंदे हो गए जिन पर हम पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने से पहले मैंने 2 सिलाई सिर्फ उल्टा उल्टा करके बुनी है, आप अपने पसंद का कोई भी बॉर्डर डाल लें। अब हम इसमें ग्रीन कलर का ऊन जोड़ेंगे, और अगर आप लीफ किसी और कलर से बनाना चाहती हैं तो वो भी सुंदर लगेगा। ये मैंने ग्रीन कलर का उल इसमें जोड़ लिया। अब हम बुनाई शुरू करते हैं। पहला फंदा हमने स्किप कर देना है, 2 फंदा सीधा। पहला फंदा स्किप करके 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, और फिर उसके बाद 1 फंदे में हम 4 फंदा बनाएंगे ग्रीन कलर से। देखिए 1, 2, 3, 4 ये हमने 4 फंदे बना लिए। अब हम 5 फंदे सीधा बुनेंगे वाइट कलर से, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार फिर 1 फंदे में 4 फंदा बनाएंगे ग्रीन कलर से, 1, 2, 3, 4। 5 फंदे वाइट कलर से, 1, 2, 3, 4, 5। एक फंदे में 4 फंदा ग्रीन कलर से, 1, 2, 3, 4। एक बार फिर 1 कलर से हमें बुनाई करनी है, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है। सेकंड रो में हम सारे वाइट फंदे बुनेंगे और ग्रीन फंदों को स्किप करते जाएंगे। देखिए सारे फंदे हमने स्किप कर देना है और वाइट कलर के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है, 3 और 4। और ये 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से 4 फंदे स्किप करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे। थर्ड रो की बुनाई अब हमने करनी है। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे। ये जो 4 फंदे हमारे पास ग्रीन कलर के हैं, इनमें से 2 फंदों को हम 2 फंदों के साथ, 2 वाइट फंदों के साथ ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए
ऐसे, और इन दो फंदों को एक फंदा के साथ मिलाकर बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारा लीफ बन गया, एक फंदा सीधा, एक एक्स्ट्रा फंदा हमने बनाना है यहाँ से, यहाँ से। ये देखिए ये हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हम फंदा घटा ले रहे हैं तो यहाँ पर एक फंदा हमें बढ़ाना पड़ेगा। सेम इसी तरह से इन दो फंदों को, इन दो ग्रीन फंदों के साथ ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए ऐसे। एक फंदा तो हम सिंपल तरीके से सीधा बुन लेंगे, और एक फंदे को इन दो ग्रीन फंदों के साथ मिलाकर आगे की तरफ से बुनेंगे ऐसे। ये हमारा लीफ बन गया, एक फंदा सीधा, फिर से दो फंदों को दो ग्रीन फंदों के साथ ट्विस्ट करेंगे, दो वाइट फंदे और दो ग्रीन फंदे। ये देखिए ऐसे, देखिए पीछे की तरफ से एक वाइट फंदे को दो ग्रीन फंदों के साथ मिलाकर बुन लेंगे। एक फंदा सिंपल तरीके से बुनेंगे और एक फंदा यहाँ से बुनेंगे, यानी एक फंदा हमें यहाँ पर बनाना है एक्स्ट्रा। फिर से दो ग्रीन फंदों को दो वाइट फंदों के साथ ट्विस्ट करेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा और ये तीन फंदे एक साथ आगे की तरफ से। एक फंदा सीधा, दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे, और तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे पीछे की तरफ से, दो ग्रीन फंदे और एक वाइट, ताकि लीफ का शेप आ जाए। एक फंदा सीधा, एक फंदा एक्स्ट्रा, फिर से दो फंदों को दो व्हाइट फंदों के साथ ट्विस्ट करेंगे। एक फंदा तो सिंपल तरीके से सीधा बुनेंगे और इस एक फंदे को दो फंदों के साथ मिलाकर, ये तीन फंदे सीधे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई, फोर्थ रो रॉन्ग साइड की है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। तो हम सारे फंदे उल्टे बुनकर पूरा कर लें। फूल की कली बनाने के लिए ये देखिए, ये हमने लाल रंग का ऊन लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लें, पर वाइट के साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और उसके बीच में ग्रीन कलर, तो मैंने इसलिए रेड कलर का ऊन ले लिया है। इसे अब हम ऐड कर देंगे, और अब हमने फूल की कली यानी कि बर्ड बनाना है। थ्रो हमारी राइट साइड की है, और अब हम इसमें रेड कलर का ऊन जोड़ेंगे फ्लावर बर्ड बनाने के लिए। फूल की कली हमने रेड कलर से बनाना है, देखिए ये हमने जोड़ लिया है। पहला फंदा तो हम स्किप कर लेंगे, दूसरा फंदा सीधा वाइट से ही, तीसरा फंदा भी सीधा वाइट से ही, और इस चौथे फंदे में जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया था उसमें हम बर्ड बनाएंगे। ये देखिए रेड कलर से एक ही फंदे में हम पांच फंदा निकालेंगे, एक दो तीन चार पांच। इन पांच फंदों को एक बार फिर से हम बाईं वाली सिलाई पर डालकर और सीधा बुन लेंगे। ये देखिए आगे बढ़, आगे हमने सिलाई नहीं करी, इन्हीं फंदों को हम फिर से बुनेंगे। वन टू थ्री फोर
फाइव। एक बार फिर पांचों फंदों को हम बाईं सिलाई पर डाल लेंगे बुनाई करने के लिए। तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। और इन दो फंदों को एक साथ। अब हमारे पास दो फंदे हो गए। पहले फंदे को इस तरह से, ये देखिए हमारा फ्लावर बर्ड तैयार हो गया। एक बार फिर वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच, ये जो एक्स्ट्रा हमने बीच में एक फंदा बनाया था ना, उसमें अब हम बर्ड बनाएंगे रेड कलर से। सबसे पहले पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, पांचों फंदों को फिर से बाईं सिलाई पर डालकर सीधा बुन लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। एक बार फिर पांचों फंदों को बाईं सिलाई पर डालेंगे और तीन फंदों को एक साथ पहले बुनेंगे। देखिए ये तीन फंदे एक साथ। और उसके बाद दो फंदों को एक साथ। अब हम पहले वाले फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। हमारा बर्ड तैयार हो गया। पांच फंदे फिर से सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव। एक फंदे में पांच फंदा बनाएंगे रेड कलर से, वन टू थ्री फोर फाइव। पांचों फंदों को फिर से बाईं सिलाई पर डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम पहले तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे और उसके बाद दो फंदों को एक साथ। और पीछे की तरफ से तीन फंदे हमने पहले बुन लेने हैं एक साथ और बचे हुए दो फंदे फिर से पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से गिरा लेंगे और बाकी से बचे हुए फंदे सीधे बुने जाएंगे। फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। सिक्स्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। हम सारे फंदे इस बार वाइट कलर से बुनेंगे और उल्टे बुनेंगे। रेड कलर के भी जो फंदे हैं उन्हें भी हम उल्टा ही बुनेंगे। देखिए इसे टाइट कर लेंगे। और हमारा पैटर्न भी इस लाइन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पैटर्न को रिपीट करेंगे जगह को बदल करके। है ना बिल्कुल आसान सा पैटर्न। बुनने में तो बहुत आसान है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर। ये देखिए और ये हमारा तीन बर्ड तैयार हो गया। अब हमने पैटर्न को रिपीट करना है जगह को बदल करके। दो फ्लावर के बीच में बनाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीच में सेट कर दिया है। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।